हाय एवरीवन, मधुज फूड फन हेल्थ में आज मैं बहुत ही हेल्दी नाश्ता बनाने जा रही हूँ, जो है हिंदी में दलिया, अंग्रेज़ी में पॉरेज। कहने को तो पॉरेज एक बहुत सिंपल सी चीज़ है, लोग बहुत तरीके से बनाते हैं, लेकिन जो मेरी मम्मी के स्टाइल का बनता था ना, उसका जो स्वाद था ना, वो तो माशाल्लाह था। तो मैं आज बिल्कुल मम्मी के स्वाद का बनाने वाली हूँ। ये उठा लिया है मैंने आधा कप दलिया, और आधा कप दलिया में थोड़ी देर के लिए पानी डाल के इसको भिगो के रख देंगे। दो तीन बार पानी से निकाल लीजिएगा, जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो भी निकल जाएंगी। तो 15 मिनट के बाद जब तक वो होता है, तब तक आप सौंफ को थोड़ा सा पीस लीजिए। अगर आप मिक्सी में बहुत सारी सौंफ पीस के रखें तो वो हाफ़ क्रश्ड वाली जो सौंफ होती है ना, वो उठाइए। पूरी सौंफ डालेंगे तो वो दांत में जाके अटक जाती है। तो मेरी सजेशन है, थोड़ा इसको हमाम दस्ते में कूट लीजिए या मिक्सी में पीस लीजिए, बस थोड़ी सी। ये आधा चम्मच सौंफ है, इससे ज़्यादा नहीं है। और इसी तरीके से चुटकी भर ये हरी इलायची का पाउडर है, जो मैं ऑलरेडी पीस के रखी हुई हूँ, और कुछ काली मिर्च के साबुत दाने। जी हाँ, यही चीज़ें इन्हेंस करती हैं टेस्ट को। और एक चम्मच गया देसी घी। देसी घी आपकी श्रद्धा है, थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं और थोड़ा कम भी डाल सकते हैं, इसमें कोई भी वो नहीं है। और ये सारे फ्लेवर्स जो हैं, काली मिर्च, हरी इलायची और सौंफ, ये मैंने डाल दिया। और अब ये भीगा हुआ जो हमारा दलिया था, उसको पानी से निचोड़ के निकाल लीजिए और उसको इसमें भून लीजिए थोड़ी देर के लिए। फ्लेम होना चाहिए लो पे। अगर आप इसको हाई पे लेके जाएंगे तो क्या होगा, बाहर से तो पक जाएगा आपका दलिया और जल भी सकता है, और अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो अगर आप अच्छे से भुनना चाहते हैं तो लो फ्लेम पे इस तरह से 5 मिनट के लिए। अपने आप इसकी खुशबू आने लगेगी। खुशबू पता है इसकी कैसी आएगी, जैसे कढ़ा प्रसाद बनाते हैं ना, हलवा बनाते हैं आटे का, उस तरह की इसकी खुशबू आएगी। और बस ये भुन गया, और इसमें डाला पानी। आधा कप दलिया है तो एक कप पानी बहुत है, ठीक है। बस इस तरह से अभी हमने इसमें और कुछ भी नहीं डाला है, कोई चीनी नहीं, कुछ भी नहीं। इसको दिलवा देंगे एक सीटी, और उसके बाद 5 मिनट के लिए सिम पे, लो फ्लेम। विसल सेटल हो गई है, अभी इसको खोल के देखिए। देखिए बिल्कुल परफेक्ट बन गया, लेकिन अभी ये बिल्कुल फीका है, इसमें कोई भी हमने चीनी नहीं डाली है। तो अब हम डालेंगे स्वाद के अनुसार चीनी। चीनी हल्की रखनी है या ज़्यादा तेज़ रखनी है, ये आपकी चॉइस है। लेकिन अब मैं आपको दलिया खाने के लिए दो चॉइसेस दे रही हूँ। देखिए आजकल बहुत लोग जो हैं दूध को अवॉइड कर रहे हैं, बहुत से रीज़न्स की वजह से, कईयों को दूध सूट नहीं करता या अदरवाइज़। तो अगर आप चाहें तो ऐसे चीनी डाल के बस ये आपका दलिया तैयार है, आप इस तरह से भी खा सकते हैं। लेकिन अगर आपको मेरी मम्मी की तरह से बनाना है और जो स्वाद मेरे मुंह में बसा हुआ है, उसके लिए मैं उठा रही हूँ फुल क्रीम दूध। दूध आप टोंड भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन फुल क्रीम से ऑफकोर्स उसका थोड़ा जो टेक्स्चर है क्रीमी हो जाता है। तो अब इसको ये मैंने 250 ml, 200 से 250 ml के बीच में मैंने दूध डाल दिया है, और इसको अब मैं चलाऊंगी। हाई फ्लेम आप कर सकते हैं, मीडियम से हाई फ्लेम के बीच में इसको उबालना है। कैसे, जैसे खीर की कंसिस्टेंसी होती है ना, थोड़ा सा इस दूध को उसके साथ मेल खिलाइए ताकि वो खीर जैसी कंसिस्टेंसी आए। तो आप कंटिन्यूसली यहाँ पे हिलाते रहेंगे। अगर आपके पास किचन में खड़े होने का टाइम नहीं है तो ऐसे करछी बीच में छोड़ के और लो फ्लेम पे छोड़ दीजिए, फिर वो अपने आप पकता रहेगा, कोई इश्यू नहीं है। तो ऐसे जब मोटे मोटे बबल्स आ जाए ना, मतलब कि आपकी खीर तैयार है। तो चलिए, किस किस के मुँह में पानी आ गया और कौन आज मेरी मम्मी के जैसा दलिया बनाने वाला है। यकीन मानिए बहुत ही स्वाद बना। फिर मिलूंगी ऐसा ही कुछ माँ का स्वाद लेकर। जो सीखा है उन्हीं से सीखा है दोस्तों। सिंधी पापड़ साथ में, इसके साथ बहुत अच्छा जाता है, नमकीन और मीठे का स्वाद। मधुस फूड फन हेल्थ को अपना प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब करें, और एक जो बेल है नोटिफिकेशन का, उसको अगर आप दबा देंगे तो सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। फिर मिलूंगी बहुत जल्द।